नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जहां की एक 35 साल की महिला पिछले 5 महीनों में 31 बार कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई है। ये मामला डॉक्टरों के लिए एक चुनौती साबित हो रहा है। आपको बता दें कि महिला जहां रुकी है, उस आश्रम के अधिकारियों ने कहा है कि उसके 17 RT-PCR और 14 रैपिड एंटीजन टेस्ट सहित सभी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। दरअसल इस महिला का पहला टेस्ट 4 सितंबर को और आखिरी टेस्ट 1-7 जनवरी को किया गया था। हर बार वो कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इस मामले को लेकर डॉक्टर भ्रमित हो गए हैं कि मरीज शारदा देवी पिछले साल अगस्त से भरतपुर में अपना आश्रम में रह रही है। आश्रम में एक नई प्रवेशिका के रूप में उनका आश्रम के नियमित प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई हैं और तब से वो क्वारंटीन में रह रही थी और उन्हें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद तीनों प्रकार की दवाइयां दी जा रही हैं। बावजूद इसके वो हर बार पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं डॉक्टर बीएम भरद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा है कि हैरानी की बात है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद भी वो स्वस्थ हैं और उन्होंने अपना 7 से 8 किलो वजन भी बढ़ा लिया है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप लगातार जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।